आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी अपना डॉल हाउस। ये डॉल हाउस बनाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें सिर्फ तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कलर पेपर, एक कार्टून बॉक्स और तीसरा फेविकॉल। कार्टून बॉक्स आप आराम से किसी भी दुकान से फ्री में खरीद सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बॉक्स, जो कार्टून मार्केट में आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा। वो कार्टून लो पहले, उसको सामने से काट दो, ऐसे उसमें वाइट कलर के पेपर लगा दो, ए फोर साइज़ के जो पेपर आते हैं। ऊपर भी उसके ऊपर एक बॉक्स रख देंगे, उसको बीच में से काट के दोनों पोर्शन को हम चिपका देंगे। ये देखो, ये हमारा बेस तैयार हो गया है। ये देखो, ये मैंने बेड बनाया है, एक बॉक्स को मैंने बीच में से काट लिया है और ये मेरा बेड तैयार है। बहुत सिंपल है, सिंपल से बनाया गया बेड। बनने के बाद कितना ब्यूटीफुल लगता है, ये देखो। कुछ भी नहीं है गाइस, बस इसके ऊपर मैंने पेपर लगाया और तैयार कर दिया। अब एक और बॉक्स लेंगे, उसको भी बीच में से कट करेंगे इस तरीके से। इससे बनाएंगे हम सोफ़ा सेट। ये देखो, ऐसे हम इसको कट कर देंगे आसपास से और इसके पीछे हम एक प्लेन सरफेस लगा देंगे। मैं आपको बता रही हूँ, वीडियो में आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसको हम चिपका देंगे। और अब देखो मैं इसको कैसे डेकोरेट करती हूँ। सिर्फ पेपर लगाऊंगी और ये बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है। ये मैंने चेयर बनाई है, उसकी छोटी छोटी सी ये चेयर है, उसी तरीके से बनाना है। बॉक्स को कट करके पीछे प्लेन सरफेस लगा देना है बस। ये देखो, हमारे सोफे तैयार हैं। कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, इस पे हमारी डॉल आराम से बैठ सकती है। और ये है टेबल, एक कार्टून को हम गोल कट करेंगे और नीचे हम छोटे छोटे स्टैंड लगा देंगे। बन गया टेबल। अब आती है ड्रेसिंग टेबल की बारी। ये देखो, मैंने इसमें कॉर्नफ्लेक्स का जो डिब्बा होता है उसको कट किया है इस तरीके से, और एक लंबा सा कार्टून काटा है जिसे नीचे से फोल्ड किया है और इसको इस तरीके से हम चिपका देंगे ऐसे। फिर एक कागज़ को हम दो तरफ से मोड़ेंगे और इसके अंदर से रख देंगे, पीछे से फेविकॉल लगाएंगे। बन गया ड्रेसिंग टेबल, तैयार है। इसको अपन आगे से कट करके विंडोज़ भी बना सकते हैं। ये देखो, डेकोरेशन के बाद कितना अच्छा लग रहा है हमारा ड्रेसिंग टेबल। अब हम बनाएंगे इस ग्रिल को। इसमें ही मैंने कॉर्नफ्लेक्स का कार्टून लिया है, उसको इस तरीके से कट किया है और कट करके इसको पेपर से रैप कर दिया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही और आगे मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।